नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। खराब मौसम के चलते नहीं उतर पाया पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर। यूपी के बहराइच में परिवर्तन रैली को करना था संबोधित, मोबाइल के जरिए किया रैली को संबोधित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीदी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा हम गोली चलाना नहीं चाहते, बाज नहीं आया तो हो जाएंगे उसके 10 टुकड़े। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के लॉ फर्म पर हुई छापेमारी में मालिक रोहित टंडन फरार। 13,56,00,000 रुपए सहित 2 नोट गिनने वाली मशीनें बरामद। दुबई और चंडीगढ़ में खोलना चाहता था फर्म के दफ्तर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आत्मघाती धमाका, हादसे में 29 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। मुंबई के गोरेगांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट की मौत, 3 घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और मुंबई टेस्ट जीतने की ओर टीम इंडिया, चौथे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में लड़खड़ाई इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर बनाए 182 रन। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।